मैं जो सुने लग रहा आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, ADHD है, उसे कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, तो ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग कमेंट जो शामिल करने वाले, नीलाक्षी चौधरी का कमेंट शामिल करेंगे, सुजीता का कमेंट शामिल करेंगे, अरब निंजा शॉट का कमेंट शामिल करेंगे, और इसके बाद हम लोग करेंगे एनी का कमेंट शामिल करेंगे, रेणुका भैना का कमेंट करेंगे, नेहा तोमर, मोहम्मद ताहा, आरती नेगी, ये सारे के सारे अपकमिंग कमेंट्स हैं, हिना अख्तर, सरबजीत सिंह, मिस्टर सिंह, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे कमेंट आज के दोनों वीडियोस में, यानी हो सकता है एक वीडियो में सारे कमेंट शामिल ना हो, लेकिन ज़रूर कोशिश करेंगे कि आज कम से कम ये सारे पेंडिंग कमेंट्स निपटा लें। चलिए नीलाक्षी चौधरी के कमेंट पर हम बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नीलाक्षी के कमेंट पर। सर आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, थैंक यू वेरी मच, इतना पॉजिटिव मैसेज दिया है आपने। पिछले वीडियो में इन्होंने कमेंट किया जब मैंने आपको पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बोला, इतना पॉजिटिव मैसेज दिया। सर आपसे जब भी बात होती है मुझे बहुत पॉजिटिविटी और एनर्जी मिलती है, और ये कॉन्फिडेंस भी आता है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बहुत जल्दी से, और मेरी बेटी इम्प्रूव भी हो रही है विद इन 1 month। उसका अटेंशन और फोकस फॉर प्रेजेंट सिचुएशन एंड एक्टिविटीज 100% आ गया है। ब्यूटीफुल नीलाक्षी, इतनी बड़ी बात कही, 1 महीने के अंदर उसका अटेंशन और फोकस जो है वो 100% इम्प्रूव हो गया है, एंड दिस इज अ बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। डेफिनेटली नीलाक्षी, ये तुम्हारे लिए तो डेफिनेटली है ही सही, मेरे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम है, एंड फॉर दिस आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू सुनील सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच नीलाक्षी। मेहनत तुम लोग करते हो और क्रेडिट मुझे मिल जाता है, बस मेरी तरफ से गाइडेंस है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट गाइडेंस दूँ। सुजीता चौधरी जी, सर आपसे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, आज मेरा बच्चा बहुत कुछ कर लेता है, उसमें बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, वो भी सिर्फ आपकी वजह से, अगर आप ना होते तो मुझे नहीं लगता कि मेरा बच्चा कुछ भी कर पाता। आपने हमारी हर सिचुएशन में अपनी गाइडेंस दे के हमारी बहुत हेल्प की है, आपका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सुजीता इतना ब्यूटीफुल कमेंट लिखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग बात करते हैं रेणुका भैना के कमेंट पर। सर मेरा बेटा ADHD ऑटिज्म है, खाली भागता रहता है, क्या करूं और खाता नहीं, प्लीज हेल्प मी। रेणुका, सबसे पहले तो आपने अपने बच्चे की कोई डिटेल्स नहीं लिखी, खाली लिखा कि भागता रहता है, उसके बारे में नहीं बताया कि उसकी एज कितनी है, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसको किसी को आपने दिखाया कि नहीं दिखाया, कोई एडवाइस ली है कि नहीं ली है, या आप किस तरह की एडवाइस इसमें चाहते हैं, क्योंकि ऐसे सिर्फ एक सिम्टम देख करके चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आप उसके बारे में डिटेल लिखिए, उसके वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसकी प्लानिंग हम लोग डिस्कस कर सकें। एनी, सर मेरा बच्चा 3.1 ईयर्स का है, इकोलेरिया का इशू है, ऑटिज्म मुझे नहीं लगता है क्योंकि वो सोशली ऑकवर्ड फील नहीं करता, सोशल स्माइल भी है, इमोशंस भी हैं थोड़े बहुत, कभी कभी कैट भी बन के खेलता है, यानी प्रेटेंड प्ले करता है, साउंड्स एंड एक्शन भी इमिटेट करता है कभी कभी, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन नहीं करता, ऑब्जेक्ट स्पिन करने का ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है, पहले हैंड फ्लैपिंग करता था लेकिन अब वो बहुत कम हो गया है, इंस्ट्रक्शंस नहीं लेता अभी। सर मेरे बच्चे में टू वे कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करें, प्लीज इस पे एक वीडियो जरूर बना दीजिए। डेफिनेटली एनी, इस पे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर मिलेगा, आप वेट कीजिए आने वाली वीडियोस में, आज या कल में, क्योंकि इस पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता नहीं हूँ कि एक वीडियो के अंदर काफी सारे कमेंट्स को इंक्लूड करके उस वीडियो की खिचड़ी बन जाए, तो ये एक डेडिकेटेड वीडियो मेरा प्रॉमिस है आपको आज कल में जरूर मिलेगा। आरती ने कि सर जब ऑटिस्टिक बच्चा सारी कमांड्स फॉलो कर लेता है बट वो टू वर्ड्स बोल नहीं पाता, रिपीट कर देता है, बच्चा कब तक टू वे कम्युनिकेशन करने लगेगा? पिछले वीडियो की तरह इसके बीच ये वीडियो भी, ये बोल पिछले कमेंट की तरह ये कमेंट भी उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है टू वे कम्युनिकेशन को लेकर के, इस पर हम लोग डेफिनेटली आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आप तब तक वेट कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे आपको कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो मिले। इतने बिहेवियरल इशू वाले बच्चे स्टडी
में कैसे होते हैं बाद में ठीक होने पर। बिहेवियरल इशू वाले बच्चे जब नॉर्मल हो जाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करते हैं, यानी सारी चीजें उनके आगे नॉर्मल ही चलती हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ डिफरेंटली वो फंक्शन करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि थेरेपी आपकी कैसी हुई, किन से हुई, उन्होंने पूरा अपना क्वालिफिकेशन को उसमें यूज किया कि नहीं किया। तो काफी सारे फैक्टर्स जरूर काम करते हैं, क्योंकि यूजली देखने में आता है कि 2 साल 3 साल 4 साल थेरेपी लेने के बाद आप ये कहते हैं कि हमने थेरेपी तो लिया लेकिन बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। अब यही इम्पोर्टेंट है कि थेरेपी की क्वालिटी क्या थी। तो आप ये थोड़ा सा देखिए कि अगर आपका बच्चा ऑलरेडी थेरेपी ले रहा है उसको रीचेक कीजिए, जितने टाइम में आपको प्रॉमिसेस हुए थे कि इतनी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए थी वो सब चीज़ें हुई कि नहीं हुई, इन सब चीज़ों पर जरूर गौर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।